वाले हैं कैसे आप किसी प्लांट मटेरियल से आप क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड को एक्सट्रैक्ट करते हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें वे करना है प्लांट पार्ट्स मीन्स प्लांट लीफ को वे करना है, ठीक है। दूसरा आपका क्या वे करना है, आपको आपको मैग्नीशियम सल्फेट वे करना है। तीसरा क्या करना है, आपको दोनों को मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करेंगे और उसको क्रश करेंगे जिससे दोनों चीज़ें मिक्स हो जाए अच्छे से। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पार्ट में एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और वही 15-20 mg वे करके हमें ले लेना है। आफ्टर डेट हमें इसमें थोड़ा पेट्रोलियम ईथर ऐड करना है, ठीक है। हाफ टेस्ट ट्यूब आप करना है, ठीक है। वी विल सेक, ठीक है। फिर क्या करना है, उसमें से हमें 20 ml निकाल के दूसरी टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। और इसको क्या करना है, हमें टेस्ट ट्यूब में ले लिया, फिर इसको हमें क्या करना है, फर्दर इसमें थोड़ा सॉल्वेंट डालना है, इथाइल पेट्रोलियम ईथर डाल के थोड़ा हमें वैल्यू इंक्रीज करना है, ठीक है। सेक करना है, फिर हमें क्या क्या सेंट्रीफ्यूज है, आपका मशीन है, इसमें हमें उसको थोड़ा सेंट्रीफ्यूज करना है। इससे क्या होगा, जो आपके पार्टिकल्स है मीन्स क्लोरोफिल होगा कैरोटीनॉइड्स है, ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हम एक छोटा सा कॉलम लेते हैं, उसमें कॉटन डालते हैं, ठीक है। कॉटन नीचे की तरफ सेक करते हैं जैसे कि हम जो भी सैंड इसके अंदर भरेंगे वो नीचे ना आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या करना है, सैंड को डालना है। इसके अंदर हमें क्या, ये हमने थंबल टाइप का बना लिया, इसके अंदर हमें क्या करना है, सैंड डालना है। ठीक है, सैंड डाल के हमें ऊपर थोड़ा सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट उस पर एक लेयर बनाना है। फिर थोड़ा सा वैल्यूम हमें धीरे धीरे वैल्यूम इसमें डालना है, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट ऊपर डालोगे तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। फाइड आपको क्लोरो आपको कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो आपका पेट्रोलियम ईथर है उसको उड़ाना है फर्दर, या इथाइल ईथर जो भी आपने यूज़ किया सॉल्वेंट उसको हाई टेंपरेचर के बॉइलिंग पॉइंट से स्टेज देके उसको हमें हटाना है, ठीक है। ठीक है, तो धीरे धीरे हमें इस प्रोसेस को करना है आप, ठीक है। अब क्या करना है, हमें PLC सूटी कट करनी है, बेस लाइन पे मार्क करनी है इस तरह से, और आप कैपेडी से स्पॉट उसी जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है ड्राई उसका थोड़ा सॉल्वेंट ऐड करके उसमें स्पॉट लगाना है, सॉल्वेंट फिल करना है। और आप देख सकते हो इसमें 10% इथाइल एसिटेट बनाओ, कैसे बनाओगे, 10 ml इथाइल एसिटेट प्लस 90 ml आपको पेट्रोलियम ईथर यूज़ करके इसको रन करना है इस तरह से, ठीक है। मतलब ऐसा बीकर ऊपर से पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों चीज़ें सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है।